हेलो, हाँ शर्मा जी की यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ मामा जी, मैं ये 27 से बोल रही हूँ। कल हमारे यहाँ आचार्य श्री जी की आराधना है, तो आप हमारे यहाँ अपनी शॉप से अच्छे मसाले, अपने सुभाष मसाले, सुभाष दाने और सुभाष वो जो भी आपका सामान है अच्छा शुद्ध, वो हमारे घर भिजवा दीजिएगा। और हमारे यहाँ आचार्य श्री की आहार चर्या है, ठीक है, आप आज ही भिजवा दीजिएगा। पड़ रही है,
अरे तुमको फोन करना तो मैं भूल ही गई, अभी खाना कौन बनाएगा सुबह, तुमको तो बुलाना ही पड़ेगा ना। चलो मैं अभी तुमको भी फोन कर देती हूँ। हाँ कल तो तुम्हारे यहाँ जल्दी आ जाना 5 बजे, हमारे यहाँ जनरेशन की आहार चर्या है तो तुम्हें सुबह आके सारा खाना तैयार करना है। ठीक है ठीक है चलो। हेलो, अरे हाँ कोकरी, यहाँ तो बिल्कुल भूल ही गई, मम्मी जी आती डांटेंगे। अरे वो पहले कोकरी है ना, वो निकाल लेती हूँ, आता ऋषि को उसी में हाथ कराएंगे। चलो अलमारी से पहले तो क्रॉकरी निकाल के लाती हूँ, ये बहुत अच्छी लगेगी, आचार्य श्री भी खुश हो जाएंगे और समाज वालों को भी लगेगा। देखो आचार्य श्री को कितने अच्छे अच्छे बर्तन में खाने खिलाया है तुमने, वही निकाल लेती हूँ। अब लगता है मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, अब कोई काम बचा तो नहीं। मैं थक गई, हमें थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, शाम का किसी आएंगे ना तो फिर थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। बहुत थक गई इतना काम करने से, ये मम्मी जी तो मंदिर में जाके बैठ गई, पता नहीं कब आएगी, इतना सारा काम सौंप गई, हेडेक भी होने लगी है। आपके शरीर में मिट गया मंदिर में? अच्छा ठीक है, आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, तैयारी कर ली मम्मी जी, सारी तैयारी कर ली। देखो आप खुश हो जाओ, कितनी तैयारी की है मैंने। श्रद्धा तुम कैसे तैयारी कर ली, कितनी खुशियाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्या तैयारी कर ली तुमने? अरे मम्मी जी ध्यान से तो देखो, देखो हम कितनी सारी तैयारी कर ली है, देखो भी कभी तो पता चलेगा। ये क्या तैयारी करने की दिया? अरे मम्मी जी देखो, मैंने तो सुभाष मामा जी है ना, उनके यहाँ से देखो सुभाष के मसाले दालें ली है और हम उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है ना मम्मी जी? कभी अपने बच्चों को विदेश मत भेजना, ऐसे ऐसी बहू में ला के दे रही है तुम्हें, कभी हाथ चला के तुम जाओगे। हे भगवान, और बेटे और क्या तैयार कर लिया? अच्छा देखो मैंने ये हरिमंत वालों से लीव और प्रेगनेंस मंगा ली है, आचार्य श्री आएंगे तो हम अपने घर को सुरक्षित कर देंगे। अच्छा ठीक है ना मम्मी जी, मैं बैठ सकती हूं? बड़ी सियानी है मेरी मम्मी जी। देखो ये कितने की ऑर्डर्स भी आ रही है। ये क्यों आए बेटा? अरे मम्मी आजकल ये नल का पानी पेट खराब कर देता है, बिस्तरी का पानी पीना चाहिए, आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी सही रहेगा इससे। उबाल कर तब देना पड़ता है, उबालने के बाद कुछ छलने की जीवानी करनी पड़ती है। ओ मम्मी जी मुझे तो पता
हमेशा जाती है, भाई आसानी से नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो। मसालों को तो मैंने बता दिया आपको। हाँ मम्मी जी, जो आटा है वो कैसे बनता है? गेहूं को धो के उसको सुखा के तब घुसा करके तब उसको पीसा जाता है। इसी तरह दाल को धो के सफाई करके तब घर में बेटे को लाया जाता है। बेटा ये सब नहीं करता, महाराष्ट्र जैसे अभक्षक दाल नहीं लेते। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ नहीं तो पाऊंगा। तो बेटे कुछ दिन यहाँ पर रहो, तभी तुम भारत की संस्कार सीखोगे। जैन धर्म के जैन मुनि के आचार्या, यहाँ की शास्त्र, यहाँ की विधियाँ तभी सीख पाओगे बेटा। ठीक है मम्मी जी, मुझे लगता है कि हम सबको ये सब सीखना चाहिए, तभी हम जैन धर्म के संस्कार सब में आ पाएंगे। मैं भारत हूँ, ये मैं ये सब नहीं सीख पाई। मम्मी जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप आचार्य श्री के पास ले चलिए और उसे हमें संस्कार दिखाइए। बहुत अच्छा लगा बेटा, अपनी भूल का प्रैक्टिस किया। ये सबसे अच्छी बात है, कोई भी किसी से गलती हो जाए जाने में अनजाने में, अगर हम उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो समा हो जाता है, वह भगवान भी उसको क्षमा कर देते हैं। ठीक है।